हेलो बच्चों, मैं आमिर जी दर्ड और आज हम लोग बात करेंगे कि गुलाम स्लो हमेशा वैलिड नहीं है। तो पहले सीखते हैं गुलाम स्लो क्या होता है और फिर सीखेंगे कि गुलाम स्लो क्यों हमेशा वैलिड नहीं होता है। तो गुलाम का नियम आपको मालूम है, दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को एक्सप्लेन करता है। यानी कि मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज हैं, ये से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये चार्ज Q1 है और ये दूसरा चार्ज Q2 है। और मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी है, वो दूरी है कोई भी r डिस्टेंस मान लेते हैं, या कोई भी अदर डिस्टेंस मान लेते हैं। लाइक हमने ऐसा मान लिया कि ये दोनों के दोनों चार्ज टू लाइट ईयर दूर हैं। बेसिकली ये टू लाइट ईयर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और इस टू लाइट ईयर डिस्टेंस को हमने क्या मान रखा है कि वो r डिस्टेंस है। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्ब्स लॉ की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्ब्स लॉ इज वॉट, उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू 1/4π0 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये होता है कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला। अगर हम लोग ये बात करने की डिस्कशन करें, ये बात करने की सोचे कि भाई इस चार्ज ने इस वाले चार्ज पर फोर्स लगाया होगा इधर, तो व्हाट अबाउट द वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज का क्या मतलब रह जाता है। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि जिस भी चार्ज ने जिस पर फोर्स लगाया, यानी कि फोर्स ऑन द चार्ज एंड फोर्स अप्लाइड बाय द चार्ज, दिस इज F12, फोर्स ऑन 1/2। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन 2/1। कूलम्ब्स लॉ में ये कहा जाता है कि दो चार्जेस तब किसी एक फिक्स डिस्टेंस पर रखे हों तो उनके बीच में लगने वाले जो फोर्सेस हैं दे आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। एफ इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, बट उनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। अब यही चीज़ हर बार वैलिड नहीं होती, ये हमें सीखना है। सोचिएगा कि ये टू लाइट ईयर दूर दो चार्ज रखे हुए हैं, एक Q1 और एक Q2। मान लीजिए मैं अपनी बर्थडे की बात कर लेता हूँ, 10th of August 2021 को ये ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है सर, 10 अगस्त 2021 में ऐसे रखे हुए हैं। किसी बच्चे ने मेरे बर्थडे पर इस चार्ज को इस तरफ मूव करा दिया, ऐसे इधर मूव करा दिया, और से मान लेते हैं उसने इसको थोड़ा सा मूव कराया, डेल्टा आर डिस्टेंस इसको इधर मूव करा दिया, इनके बीच की इनिशियल डिस्टेंस कितनी है, टू लाइट ईयर। तब उसको डेल्टा आर डिस्टेंस इधर मूव कराया, तो इसको इधर मूव कराने के बाद इन दोनों चार्ज पर लगने वाले फोर्स का क्या स्टेटस है, मैं आपके सामने अब ये फोर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। भाई इस पर इस वाले चार्ज को इधर मूव कराया तो ये वाली फोर्स कितनी होगी, देखना, फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय, सोचने वाली बात है ये डिस्टेंस कितनी थी r, मैं इसको डेल्टा r इधर मूव करा रहा हूँ तो कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज r माइनस डेल्टा r, ओनली मैग्नीट्यूड की बातें हम लोग कर रहे हैं, इट्स स्क्वायर, दैट इज द F12, फोर्स ऑन 1/2। अब बात करते हैं फोर्स ऑन 2/1, एक के द्वारा टू पर कितना फोर्स लगाया गया, तो दैट इज इक्वल टू ऑट, दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय, अगेन डिस्टेंस कितना हो गया इसका, r माइनस डेल्टा r स्क्वायर। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ कहता है अकॉर्डिंग कि भाई तब इसके बीच की दूरी r थी तो फोर्स इतना था, तब इनके बीच की दूरी को मैंने डेल्टा r कम कर दिया तो फोर्स कितना हो गया, K Q1 Q2 बाय r माइनस डेल्टा r स्क्वायर। लेकिन ऐसा कहना अब सही नहीं है। 10 अगस्त 2021 को लिखा सर आपने, इस डेट को ये हमने नोटिस किया था कि उन्होंने डेल्टा आगे भेज दिया। मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, सेम 2022 में अगर बात करें तो 2022 में भी ऐसा कह पाना, हर बार ऐसा कह पाना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, किस वाले इन दोनों में से किस वाले फॉर्मूले में प्रॉब्लम है, उसको मैं आपको अब समझाऊंगा कि अब वैलिड तो यही होना चाहिए, सच तो यही है कूलम्ब्स लॉ का कि भाई इनके बीच की डिस्टेंस अगर r माइनस डेल्टा r हो गई तो इनके बीच का फोर्स भी क्या हो जाएगा, दैट इज K Q1 Q2 r माइनस डेल्टा r स्क्वायर। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो इस वाले चार्ज ने इस पर जो फोर्स लगाया था वो एक कौन सा फोर्स था, नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स, वो एक फील्ड फोर्स था, क्योंकि कॉन्टैक्ट में तो ये है ही नहीं, और अगर वो फील्ड फोर्स था तो इन दोनों के बीच में कोई फील्ड क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की चीज, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने यहां तक क्रिएट की हुई थी पहले, अब ये तब इधर गया थोड़ा सा, इससे इसने इसको इधर शिफ्ट कर लिया, तब ये थोड़ा सा इधर गया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्ट्रॉन्गर, फिर उसे कम स्ट्रॉन्ग, यानी कि फील्ड लाइन डिक्रीज हो रही है, यानी कि फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। तब इस चार्ज में इधर मूव कराया तो ये वाला चार्ज अपने से स्ट्रांग फील्ड में गया या वीक फील्ड में गया, तो आंसर स्ट्रांग फील्ड में गया, और अगर फील्ड बढ़ा तो F इज इक्वल टू QE,
क्यू ई, तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई से क्या हुआ कि भाई अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा, तो फोर्स बढ़ा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कम हुआ। तो ये जो फोर्स ऑन वन बाई टू है ये डेफिनेटली इंक्रीज हुआ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये इंक्रीज होगा ही। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है, जो कि फोर्स वन, बेसिकली चार्ज वन चार्ज टू पर फोर्स लगा रहा है एफ टू वन, ये ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। क्यों ऐसा, ये क्यों गलत है भाई, क्योंकि मैंने बताया कि भाई फील्ड लाइंस हैं जो फोर्स लगा रही हैं एफ इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि एक फील्ड फोर्स है नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स, दो तरह के फोर्स होते हैं, फील्ड फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहां पर इस ये जब इधर से मूव करके ये यहां पर चला गया, इधर आ गया, तो उस टाइम पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहां तक पहुंची हुई थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 3×10⁸ लाइट की स्पीड से भी चले तो भी दो लाइट ईयर डिस्टेंस को करीब एक साल में कंप्लीट नहीं कर सकती। तो ये यहां से इधर चला गया, ये यहां से इधर शिफ्ट हो गया, ये डेल्टा इधर मूव हो गया, ये जानकारी केवल इस Q1 चार्ज के पास है, Q2 चार्ज के पास ये जानकारी अभी तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि यहां से वहां तक उस फील्ड को पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत दूर है, टू लाइट ईयर डिस्टेंस है। तो इसको क्या फील होगा, इसको फील होगा भाई ये वाला चार्ज Q1, Q2 क्या फील होगा कि Q2 Q1 चार्ज मुझसे एग्जैक्टली r डिस्टेंस दूर पर ही रखा हुआ है, डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम है तो वो कहेगा ये तो फोर्स नहीं है, मेरे ऊपर लगने वाला फोर्स F21 दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर ही है। एक सेम टाइम की बात करो तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक सेम टाइम पर इन दोनों चार्जेस को फील हो रहा है, ये वाला फोर्स इंक्रीज हो गया, ये वाला फोर्स कैसा रहा, सेम रहा। लेकिन अभी 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 जब हमने कूलम्ब्स लॉ की बात की थी कि कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर दैट एंड दैट, कब वैलिड होता है, तब दो इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहे हो, क्या ये दोनों फोर्स इक्वल है, क्या दोनों फोर्स इक्वल नहीं है, देखो यहाँ पे आर माइनस डेल्टा आ रहा है, यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर, और अगर ये दोनों फोर्स इक्वल नहीं है दैट मीन्स वॉट, कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। तो इस सिचुएशन से मैं समझ आया कि कूलम्ब्स लॉ हमेशा वैलिड नहीं होता है। कूलम्ब्स लॉ के वैलिडेशन की बात करें तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो टाइम गैप था, ये टाइम गैप में इशू आ गया, हो सकता है कुछ दिनों बाद तब ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी वहां पर, तो इनके बीच का फोर्स क्या होगा, एग्जैक्टली ये हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सिखाया कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो कूलम्ब्स लॉ में बोला गया था, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज जो कूलम्ब्स लॉ में बोला गया था, नॉट ऑलवेज वैलिड, कूलम्ब्स लॉ नॉट ऑलवेज वैलिड, वो हमेशा वैलिड नहीं है। ये बात आपको मैं समझाना चाह रहा था, किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यार ऐसा हो सकता है क्या, तो मैं इस पर बात कर रहा हूँ कि कूलम्ब्स लॉ हमेशा वैलिड नहीं हो सकता, इस थ्योरी से, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मैंने यहाँ पे बात की कि भाई वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँच ही नहीं पाएगी। तो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर अपने माइंड में आते हैं, कुछ दिमाग में आता है कि यहाँ कैसे हम इस पर सोच सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए या कोई भी मुझे मेल लिखिएगा, मैं आपके क्वेश्चन पे कोई शॉर्ट वीडियो इस तरह की जरूर बनाऊंगा। आपको कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप जरूर शेयर करिएगा। इस तरह के बेसिकली जो चीज़ें हैं इन आपके फिजिक्स सिलेबस में, वो हम लोग स्लोली स्लोली धीरे धीरे सारी बातें सीखते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहेंगे।